इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों टर्मिनोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिलेक्टिविटी क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरीके की सिलेक्टिविटी को डिफरेंट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिविटी को बेसिकली तीन पार्ट में बांट सकते हैं, कीमो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीमो सिलेक्टिव की। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन में कोई रिएजेंट यूज़ किया जा रहा है, अगर वो रिएजेंट इन सभी फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक के साथ ज़्यादा रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन देता है तो ऐसी रिएक्शन को हम कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है और इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ करवाई जा रही है। इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन की बात करें, जिनको हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी रिएक्शन में हमने देखा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी एस्टर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आसानी से रिएक्शन दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इस रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से केवल कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करता है, एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं दे पाता है। इसलिए इस रिएजेंट ने इन दोनों में से किसके साथ रिएक्शन करनी है इसको सिलेक्ट करा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्रेट जब इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है तो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्शन टिन और HCl के साथ करवाई जा रही है। इस रिएजेंट की स्पेशल चीज़ ये होती है कि ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसके अलावा और किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। चूँकि इस मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसमें केवल नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है और इसके रिडक्शन से नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये कीटो ग्रुप एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। चूँकि इस रिएक्शन में इन दोनों में से केवल इसने रिएक्शन करी है, इसलिए ऐसी रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन PD इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3 लिया गया है और ऐसे रिएक्शन में क्विनोलिन को सोलवेंट दिया जाता है। ये हमारे पास लिडलार कैटलिस्ट है और इस कैटलिस्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है, ये केवल एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टर मॉलिक्यूल है उसमें एल्कीन के साथ साथ एल्काइन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये लिडलार कैटलिस्ट केवल एल्काइन को ही रिड्यूस कर पाता है और एल्काइन को रिड्यूस करके एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों में से ये केवल एल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा जो कि एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ये एल्कीन जो है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगेन ऐसी रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 4, इस एग्जाम्पल में हमारे पास इस कंपाउंड में NH2 ग्रुप और OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाई जा रही है। ये एक SN2TH रिएक्शन होती है जिसको इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। SN2TH रिएक्शन को हम SN2Ti रिएक्शन भी कहते हैं और इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एसाइल क्लोराइड का कोई इक्विवेलेंट फिक्स नहीं किया गया है, ऐसी कंडीशन में NH2 ग्रुप और OH ग्रुप अपने लोन पेयर की हेल्प से SN2TH रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में हम एसाइल क्लोराइड के इक्विवेलेंट फिक्स कर दें, यानी इस रिएक्शन में हम ऐसा मेंशन कर दें कि इसमें एसाइल क्लोराइड जो है जिसका केवल 1 इक्विवेलेंट लिया जा रहा है, तो अब इन दोनों में से कौन सा ग्रुप अटैक करेगा इसका डिसाइड होगा SN2TH की रिएक्टिविटी से। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं, तो जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक करता है, यानी जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि इसका लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास है और इसका लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के पास है, तो नाइट्रोजन एटम जो है इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इन दोनों में NH2 ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। अब ये NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है और SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है, यानी कि इस रिएक्शन में HCl साइड प्रोडक्ट बनता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में NH2 और OH फंक्शनल ग्रुप में से केवल NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन होता है। चूंकि इस रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, बट एसाइल क्लोराइड केवल NH2 के साथ रिएक्शन करता है अगर एक इक्विवेलेंट उसमें दिया गया हो। ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन को हम कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट तरह की एल्कीन दी गई है। अगर इस एल्कीन को देखें तो ये एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जबकि ये वाली एल्कीन हमारे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। यहाँ पे इस एल्कीन की दो तरह की रिएक्शन मेंशन की गई है। एक रिएक्शन में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, जबकि दूसरी रिएक्शन में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का इक्विवेलेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अगर इस रिएक्शन को पहले 4 एग्जाम्पल के साथ हम कंपेयर करें तो पहले 4 एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे। उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक ने किसी रिएजेंट के साथ ज्यादा रिएक्शन दी, इस कारण से ऐसी रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव थी। बट इस रिएक्शन में हमारे पास दोनों सेम ही तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी इसमें हमारे पास केवल एल्कीन ही प्रेजेंट है। इसलिए ऐसी रिएक्शन में अब हमको ये देखना होगा कि अगर इक्विवेलेंट स्पेसिफाई है तो इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि इससे एल्कीन का इपोक्साइड बना सकते हैं। अगर हमारे पास मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के इक्विवेलेंट फिक्स नहीं है, ऐसी कंडीशन में इन दोनों एल्कीन का एपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी इसमें पाई बॉन्ड रिमूव हो जाता है और 3 मेंबर इसमें ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे ऑक्सीजन रिंग या एपोक्साइड रिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का 1 इक्विवेलेंट फिक्स किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमने ये देखा था कि जो एल्कीन होती है वो इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन एटम जो इसमें इंसर्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों एल्कीन में से जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्शन करेगी। एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं। जैसे अगर इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, यानी कि ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। इसी तरह से अगर इस एल्कीन को कंसिडर करें, ये एल्कीन हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है और इस एल्कीन में तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। इसलिए अगर इन दोनों एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस एल्कीन की बेटर न्यूक्लियोफाइल बनने की टेंडेंसी इस एल्कीन से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हमारे पास मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का 1 इक्विवेलेंट दिया गया है तो हमको केवल उस एल्कीन का ही एपोक्साइड बनाना है जिसमें सब्स्टिट्यूशन की संख्या ज़्यादा हो। अगर इन दोनों रिएक्शन को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस रिएक्शन में केवल यही एल्कीन की रिएक्शन होती है, इस एल्कीन की रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में MnO2 की रिएक्शन दी गई है और MnO2 को भी हम प्रीवियस वीडियोस में वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके रिएक्शन में हमने देखा था कि ये अल्कोहल का रिडक्शन करता है, बट ये केवल उसी अल्कोहल को ही रिड्यूस करता है जो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन में हो। क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल में बेंजीन दी गई है और अगर बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें तो बेंजीन के जस्ट आगे वाला जो कार्बन होता है उसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर इस कार्बन पर डायरेक्टली OA जुड़ा हुआ हो तो ऐसे अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन 2 अल्कोहल में से केवल ये जो OH ग्रुप होगा ये हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये बेंजीन के जस्ट आगे वाले कार्बन यानी बेंजाइलिक कार्बन पे है। अगर इस OH की बात की जाए तो ये जो OH है वो बेंजाइलिक कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे है, इसलिए ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं कहलाता है। इन दोनों में से केवल यही बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। और MnO2 की खास बात ये होती है कि बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है और 1 डिग्री अल्कोहल से ये एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन करता है। चूंकि हमारे पास 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल दिया गया है, इसलिए ये MnO2 इस 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, जबकि इस अल्कोहल के साथ किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। इसलिए इस MnO2 ने इन दोनों में से केवल इसके साथ रिएक्शन करी है, इसलिए अगेन ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी की। रेजियो सेलेक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मान लो कोई रिएजेंट किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप में कोई एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, यानी कि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 डिफरेंट या इससे डिफरेंट साइड्स होती हैं, जिसमें से कोई एक साइड ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और इसलिए ऐसी रिएक्शन होने के कारण जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में स्टाइरीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई जा रही है। ये रिएक्शन मार्कोनिकोव एडिशन से होती है और इसको हम एडिशन रिएक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है और मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, इसलिए इस रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से ये जो प्रोडक्ट होता है ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, जबकि दूसरा इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ऐसी रिएक्शन कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें से एक का मेजर बनना और दूसरे का माइनर बनना और दोनों का आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशनशिप होना इस बात को बताता है कि ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन में कोई ऐसा कार्बोकैटायन बना है जो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए इस कंपाउंड को मेजर बनाएगा। क्योंकि इसके मैकेनिज्म को हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को डिटेल में वापस नहीं ले रहे हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करते हैं जिस कारण से बेंजीन के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन यानी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब मान लो इस एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो इस तरह से ना होकर इसमें बिल्कुल अपोजिट शिफ्ट हो, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से चले जाए, तो अब इस हिस्से पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और ये कार्बोकैटायन हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि बेंजीन के जो बेंजाइलिक कार्बन है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होते तो ये कार्बोकैटायन बनता, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होते तो ये कार्बोकैटायन बनता। क्योंकि इस रिएक्शन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है और इस रूल में कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन जो दोनों पॉसिबल कार्बोकैटायन होते हैं उसमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करती है। यानी कि इन दोनों में से चूंकि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए इस रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर Br के अटैक होने से ये कंपाउंड मेजर बनता है, जबकि यहाँ पर Br के अटैक होने से ये कंपाउंड माइनर बनता है। यानी इस रिएक्शन ने इस एल्कीन में से इस साइड पे ज़्यादा अच्छी रिएक्शन दी है क्योंकि ज़्यादा अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन बना है और बनने वाले दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मेजर होता है, दूसरा माइनर होता है और दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल में स्टाइरीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई जा रही है, बट इसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा रही है। अगेन इसमें दो प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से ये जो प्रोडक्ट होता है ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि दूसरे वाला प्रोडक्ट इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट बनता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल 7 के साथ कंपेयर करें तो एग्जाम्पल 7 में केवल रिएक्शन HBr के साथ थी, जिसमें ये मेजर बन रहा था और ये माइनर बन रहा था। इसमें रिएक्शन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाई गई है, इसमें ये मेजर ना बनकर माइनर बन जाता है और ये माइनर ना बनकर मेजर बन जाता है। तो ऐसा इसमें इसलिए होता है, HBr के साथ जो रिएक्शन होती है वो पेरोक्साइड की एब्सेंट में मार्कोनिकोव रूल से फॉलो होती है, जबकि HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है। इस रिएक्शन में रिएक्शन के चैन प्रोपोगेशन स्टेप में Br फ्री रेडिकल का अटैक होता है, जिससे दो तरह के फ्री रेडिकल की पॉसिबिलिटी होती है। चूंकि ये स्टेप RDS होता है और RDS में हमको ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करनी होती है, इन दोनों में से ये फ्री रेडिकल बेंजीन के +M के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के RDS स्टेप में ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनने के कारण इस एल्कीन की रिएक्शन जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाई जाती है तो ये कंपाउंड मेजर बनता है, जबकि ये कंपाउंड माइनर बनता है और ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अगेन ऐसी रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में इस एल्कीन की दो तरह की रिएक्शन दी गई है और इन दोनों ही रिएक्शन को हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। इस रिएक्शन को हम OMDM रिएक्शन कहते हैं, यानी इसे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है और इसमें वाटर का एडिशन जो होता है एंटी एडिशन होता है। चूंकि मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है इसलिए इस हिस्से पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनने के कारण इसमें वाटर का OH ग्रुप इस कार्बन पर ऐड होता है, जबकि जो दूसरी रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं और ये एडिशन जो होता है सीन एडिशन होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के कारण जो वाटर का OH ग्रुप होता है वो इस कार्बन पर जुड़ा होता है। अगर इन दोनों रिएक्शन को आपस में कंपेयर करें तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें केवल OH ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होता है, यानी ये दोनों ही प्रोडक्ट आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। इसलिए ये दोनों जो रिएक्शन होती हैं वो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, यानी कि ये जो OMDM रिएक्शन है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए एंटी एडिशन ऑफ वाटर होता है, इसलिए ये रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन है। अगेन एचबीओ जो रिएक्शन होती है उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए सिन एडिशन होता है, इसलिए अगेन ये रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल नंबर 10, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोबेंजीन का हेलोजनेशन दिया गया है। इस रिएक्शन में एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इस रिएक्शन का जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो डायरेक्टर की तरह काम करता है, यानी इस नाइट्रो ग्रुप में -I और -M इफेक्ट होने के कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेता है। क्योंकि ये विड्रॉल जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है और इस रिएजेंट की हेल्प से इसमें जो हेलोनियम आयन बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती है और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसकी मेटा पोजिशन पर अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो मेटा प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा से ज्यादा बनता है, यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं इस रिएक्शन में जो ऑर्थो और पैरा की रिएक्टिविटी होती है वो मेटा के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इसमें मेटा आइसोमर ज्यादा बनता है और ये रिएक्शन रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं रिड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन की। रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन में हमने ये देखा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन होने से B+C दो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट मेजर है, सपोज इस रिएक्शन में B मेजर है और C माइनर है, और B और C अगर आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हमने रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन कहा। अगर मान लो A से केवल B ही बन रहा है और B भी 100% बन रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो ऐसा होता है कि A से केवल एक ही प्रोडक्ट B बनता है और वो 100% बनता है, यानी ऐसी रिएक्शन कैसी क्या कहलाएगी? ऐसी रिएक्शन 100% रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन होगी। और 100% जो रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन होती हैं उसको हम रिड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन कह सकते हैं, यानी कि रिएक्शन में हमारे पास और कोई अल्टरनेट था ही नहीं तो हमको केवल एक ही प्रोडक्ट बना सकते थे, तो ऐसी रिएक्शन रिड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, इस एग्जाम्पल में साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई गई है जिसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है। चूंकि ये रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के थ्रू होती है और मार्कोनिकोव रूल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ही लागू होता है, यानी वो ऐसी एल्कीन पे लागू होता है जिसके दोनों sp2 सिरों पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। जैसे इस एल्कीन में दोनों सिरों पे सेम ग्रुप होने के कारण ये जो साइक्लोहेक्सीन होती है वो सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है और सिमेट्रिकल एल्कीन पर कभी भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हो सकता, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चाहे आप इधर लेके जाएं या रिएक्शन में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएं, इससे केवल एक ही तरह का कार्बोकेटायन बनेगा और HBr की रिएक्शन होने के बाद इससे केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो रिएक्शन है 100% रिड्यूस रिएक्टिव रिएक्शन है, इसे हम रिड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, इस एग्जाम्पल में साइक्लोहेक्सेनॉल का कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन दी गई है। ये हमारे पास एक इवन मैकेनिज्म होता है और इस एलिमिनेशन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है और इसमें H2SO4 H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनर का काम करता है और यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज होकर इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसमें हमारे पास इस कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। और इवन मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन में केवल एक ही टाइप की एल्कीन साइक्लोहेक्सीन की फॉर्मेशन होती है। चूंकि इसमें केवल एक ही टाइप का कार्बोकेटायन बनता है, इस कारण से इसमें केवल एक ही एल्कीन के बनने की पॉसिबिलिटी होती है। चूंकि ये रिएक्शन अगेन 100% रिड्यूस रिएक्टिव होती है, इसलिए इसे हम रिड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन कह सकते हैं। इसी तरह अगर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में हमारे पास इस टाइप का अल्कोहल है, यानी हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करवाई गई है। अगेन ये जो रिएक्शन होगी ये इवन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, यानी इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H पॉजिटिव को डोनेट करेगा जो कि इस OH की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके इस तरह के कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा। चूंकि ये रिएक्शन इवन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो इसमें हीट के प्रेजेंस के कारण एल्कीन की फॉर्मेशन होगी और ये जो कार्बोकेटायन है अब दो तरह की एल्कीन बना सकता है, या तो ये इस कार्बन से H को एब्सॉर्ब करे और इस कार्बन से H को एब्सॉर्ब करे। ये दोनों जो दो पॉसिबिलिटी हैं ये सिमिलर पॉसिबिलिटी है, यानी कि इस रिएक्शन में अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाए या यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर मान लो ये कार्बोकेटायन यहाँ से एक H को ले लेता है तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा तो इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी इस कार्बोकेटायन से दो तरह की एल्कीन बन सकती हैं। और बनने वाली एल्कीन अगर इवन मैकेनिज्म के थ्रू बन रही है तो इसमें जो सेटअप एल्कीन होती है यानी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन जो होती है वो मेजर बनती है। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इस एल्कीन में हमारे पास अल्फा एच की संख्या ज़्यादा है और इस एल्कीन में टोटल हमारे पास 7 अल्फा एच है और 7 अल्फा एच होने के कारण इस एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो तो दूसरी वाली एल्कीन जिसमें केवल 4 अल्फा एच है इससे ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इन दोनों एल्कीन में जो फर्स्ट एल्कीन होती है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती है। इसका मतलब ये हुआ अब ये रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं कहलाएगी, ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास दो जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर है। बेसिकली ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं जिसमें ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। इसलिए इस अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो हमारे पास एल्कीन बनी है ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि डिस्कशन में हमने तीन चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली हैं, एक कीमो सेलेक्टिविटी, दूसरी रेजियो सेलेक्टिविटी, तीसरी 100% रेजियो सेलेक्टिविटी यानी कि रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब बात करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए इसका कंपैरिजन हम रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन के साथ करते हैं। अभी हमने देखा था, मान लो हमारे पास ए रिएक्टेंट है जिससे हमारे पास बी और सी प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इन दोनों में से एक मेजर और माइनर हो और ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो तो ऐसी रिएक्शन को हमने रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहा था। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है जिससे अगेन दो प्रोडक्ट बी और सी बन रहे हैं और इनमें भी कोई एक मेजर और माइनर हो बट ये दोनों अब आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हो तो ऐसी रिएक्शन को अब हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। यानी दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि अगर प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशनशिप रखते हैं तो वो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। अगर बनने वाले प्रोडक्ट आपस में स्टीरियो आइसोमेरिक रिलेशनशिप रखते हैं तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। अब स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये है ये जो बी और सी है आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं या फिर ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। एग्जाम्पल नंबर 14, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ब्यूटाइन की रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट के साथ दी गई है। लिंडलार कैटलिस्ट की इसमें बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि केवल एल्काइन को ही रिड्यूस करता है और एल्काइन को रिड्यूस करने के बाद जो लिंडलार कैटलिस्ट का हाइड्रोजन होता है वो सिन अटैक करते हैं। यानी कि इस एल्काइन से दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे। पहले प्रोडक्ट में लिंडलार की हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होती कि ये सिस प्रोडक्ट कहलाता है, यानी इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होती। अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के डायगोनल होती तो इस प्रोडक्ट को हम ट्रांस प्रोडक्ट कह देते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट में चूंकि रिडक्शन जो होता है सिन एडिशन से होता है, इसलिए सिन अटैक होने के कारण इसमें जो सिस एल्कीन होगी वो ट्रांस एल्कीन से ज़्यादा बनेगी। तो इस रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं, चूंकि ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जीआई की कंडीशन में देखा था, अगर हमारे पास दो आइसोमेरिक कंपाउंड हो जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो डाइस्ट्रीमर्स होते हैं। इसलिए दो आइसोमेरिक सिस और ट्रांस एल्कीन आपस में जीआई होती हैं, एक सिस एल्कीन और दूसरी ट्रांस एल्कीन, ये आपस में ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को शो करती हैं। चूंकि इसमें सिस एल्कीन ज़्यादा बनी है और ट्रांस एल्कीन कम बनी है, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, इसलिए अब इस रिएक्शन को हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, इस एग्जाम्पल में ब्यूटाइन की रिएक्शन सोडियम अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल करवाई जा रही है। यानी कि इस एल्काइन का बर्च रिडक्शन करवाया जा रहा है। लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन को हम डिफरेंट रिएजेंट के वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस रिएजेंट की खास बात ये होती है ये एल्काइन को रिड्यूस करता है और इस रिएजेंट से आने वाली दोनों हाइड्रोजन एंटी अटैक करती हैं। यानी कि एल्काइन के रिडक्शन से हमारे पास ट्रांस एल्कीन जो होती है वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनती है। अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें एक ट्रांस एल्कीन है, दूसरी हमारे पास सिस एल्कीन है, जिसमें मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ट्रांस एल्कीन जो होती है मेजर होती है और सिस एल्कीन इस रिएक्शन का माइनर होती है। चूंकि ट्रांस और सिस आइसोमेरिक एल्कीन एक दूसरे के डाइस्ट्रीमर्स होते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें डाइस्ट्रीमरिक रिलेशनशिप होने के कारण अब इस रिएक्शन को हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, इस एग्जाम्पल में एल्कोहल के डिहाइड्रेशन रिएक्शन को दिया गया है जिसमें H पॉजिटिव और OH की हेल्प से वाटर का मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट लीव कर जाता है और यहाँ से OH रिमूव होने के बाद इस रिएक्शन में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और इस कार्बोकैटायन से दो तरह की एल्कीन बन सकती हैं। इस एल्कीन में जो यहाँ पर दो H हैं वो एक दूसरे के डायगोनल होने के कारण इस एल्कीन को हम ट्रांस एल्कीन कह सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन हो गई और दूसरी एल्कीन में ये दोनों H एक दूसरे के सेम साइड में होने के कारण इस एल्कीन को हम सिस एल्कीन कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांस एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और ये एक इवन मैकेनिज्म होने के कारण इसमें स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनती है, यानी इसमें जो ट्रांस एल्कीन होती है वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है और सिस एल्कीन इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि इसमें मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों आपस में सिस और ट्रांस के रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इस कारण से इस रिएक्शन को हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को बेटर समझने के लिए हम ऐसे एज्यूम करते हैं, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके दो आइसोमर एक्स और डब्ल्यू है, यानी एक्स और डब्ल्यू एक ही मॉलिक्यूल के दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं और अगर इसकी रिएक्शन होती है तो एक्स से हमारे पास वाई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और डब्ल्यू से हमारे पास जेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इसे हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर सेम रिएक्शन कंडीशन में दो डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर इसको हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते थे। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके हमारे पास डिफरेंट आइसोमर है, तो ये डिफरेंट आइसोमर रिएक्शन की सेम कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी हम स्टीरियो केमिस्ट्री अगर चेंज करते हैं तो बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को एग्जाम्पल 17 की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन के दो आइसोमर दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर जो क्लोरीन है वो वेज लाइन में है, अगर इसके हम RS की बात करें तो इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा वो हमारे पास R होगा। इसी तरह से इस 2 क्लोरोब्यूटेन में ये जो क्लोरीन एटम है वो डैश लाइन में रखा गया है, अगर इसके कॉन्फिगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फिगरेशन S होगा। यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन गिवन है जिसमें OH नेगेटिव की रिएक्शन दी गई है, ये SN2 रिएक्शन होती है जिसमें वोल्डन इन्वर्जन होता है, इसको हम SN2 रिएक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, चूंकि इसमें बैक साइड अटैक होता है तो ये OH इस कार्बन पर अटैक करता है जिससे यहाँ से Cl इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है और स्टीरियो केमिस्ट्री के इन्वर्जन यानी वोल्डन इन्वर्जन से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर पहली रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे अगर इसके कॉन्फिगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फिगरेशन हमारे पास S होगा और इसी तरह दूसरी रिएक्शन की अगर कॉन्फिगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फिगरेशन हमारे पास R होगा। अब इस रिएक्शन में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। चूंकि हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन के दो आइसोमर थे, जब हमने आइसोमर R लिया तो इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन के थ्रू S प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी और जैसे ही हमने हमारे स्टार्टर की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करी तो बनने वाले प्रोडक्ट की उसी रिएक्शन कंडीशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो गई, यानी कि एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर सेम रिएक्शन कंडीशन में दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल नंबर 18। इस एग्जांपल में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन को हम डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इनफैक्ट इसी वीडियो में हमने इस रिएक्शन को यूज किया है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से एल्कीन की रिएक्शन होने पर इपोक्साइड यानी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम इपोक्साइड या ऑक्सीजन रिंग कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीन के दो आइसोमर दिए गए हैं, पहला आइसोमर हमारे पास सिस एल्कीन है यानी कि हमारे पास सिस ब्यूटीन है क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेम साइड में है, या हम ऐसा कह सकते हैं इस एल्कीन में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है इसलिए सिस ब्यूटीन है। और जब इस सिस ब्यूटीन की रिएक्शन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ करवाते हैं ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है और इस सिस एल्कीन से सिस इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर हम इस एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दें और सिस एल्कीन की जगह पर अब हम ट्रांस एल्कीन ले लें, ये ट्रांस एल्कीन इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के डायगोनल हैं। अगर रिएक्शन की सेम कंडीशन को मेंटेन किया जाए तो अब ये जो ट्रांस एल्कीन होती है इस मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके ट्रांस इपोक्साइड की फॉर्मेशन करती है, यानी कि जब सिस एल्कीन थी तो सिस इपोक्साइड बन रहा था और अगर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करके उसी कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर ले लिया तो ट्रांस एपोक्साइड बनना शुरू हो गया, जबकि रिएक्शन की कंडीशन सेम थी। तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है, जिसमें रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री अगर चेंज कर दें तो सेम रिएक्शन कंडीशन में प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 19, यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीन के दो आइसोमर दिए गए हैं, एक हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन है, दूसरा हमारे पास सिस ब्यूटीन है, और इनकी सेम रिएक्शन Br2 के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। जब ट्रांस ब्यूटीन की रिएक्शन होती है तो इससे मेसो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जबकि सिस ब्यूटीन की रिएक्शन से हमारे पास रेसिमिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं, पहली रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट मेसो बनता है, जबकि दूसरी रिएक्शन में रेसिमिक हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी इस प्रोडक्ट की मिरर इमेज भी ली जाती है। मेसो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर को हम डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेसो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम दो कर्ल कार्बन प्रेजेंट होता है और POS या COS दोनों या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होती है। अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसमें ये जो दो कार्बन होते हैं ये दोनों कर्ल कार्बन होते हैं, और इस कंपाउंड में चूंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इस कारण से ये कंपाउंड जो होता है मेसो कंपाउंड होता है। और मेसो कंपाउंड किसी रिएक्शन में बनता है तो वो सिंगल कंपाउंड ही बनता है, उस कंपाउंड की कभी भी मिरर इमेज काउंट नहीं की जाती है। चूंकि दूसरी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट में दो कर्ल कार्बन तो हैं, बट इसमें कभी भी POS और COS प्रेजेंट नहीं होती। यह सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो फिशर आइसोमर्स होते हैं, यानी जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, उसमें कभी भी COS प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये इक्लिप्स फॉर्म में रहता है। इस कारण से इसमें COS और POS दोनों एब्सेंट होने के कारण अब इस कंपाउंड की मिरर इमेज काउंट की जाएगी, यानी सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास कंपाउंड प्लस उसकी मिरर इमेज दो प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि फर्स्ट रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट मेसो बनता है। अब इस रिएक्शन की सेलेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीन के दो आइसोमर थे। जब ट्रांस ब्यूटीन लिया गया तो मेसो बन रहा था, जैसे हमारे स्टार्टर की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने सिस कर दी तो सेम रिएक्शन कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेसो से रेसिमिक हो गई। तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 20, यहाँ पे हमारे पास 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल की दो रिएक्शन दी गई है, जिसको हम A और B की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल के बेसिकली दो आइसोमर लिए गए हैं। एक में हमारे पास ये मिथाइल का कॉन्फिगरेशन R है, जबकि इस OH का कॉन्फिगरेशन S है। इस रिएक्शन को हम A मान रहे हैं। इसी तरह दूसरी रिएक्शन में मिथाइल का कॉन्फिगरेशन तो सेम R रहता है, जबकि इस OH का कॉन्फिगरेशन यहाँ पे R हो जाता है, जबकि इस रिएक्शन को हम B मान रहे हैं। अगर इन दोनों एल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कंसिडर किया जाए, जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग दी जा रही है, तो इन दोनों ही रिएक्शन में कॉमन मैकेनिज्म फॉलो होता है। इस H2SO4 की मदद से H पॉजिटिव रिलीज होता है, जो इस OH को वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, और इन दोनों ही आइसोमर से हमारे पास सेम तरह का कार्बोकेटायन बनता है, यानी कि ये जो कार्बोकेटायन है आफ्टर 1,2 शिफ्ट हमको मिलता है। और इस कार्बोकेटायन से दो तरह की एल्कीन पॉसिबल है, जिसमें ये जो एल्कीन होती है मोर स्टेबल होने के कारण इस एल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा बनती है। इसका मतलब ये हुआ 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल की चाहे ये आइसोमेरिक फॉर्म लो या ये आइसोमेरिक फॉर्म लो, दोनों ही फॉर्म सेम कॉमन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करती है, और दोनों ही फॉर्म से केवल एक ही टाइप की एल्कीन मेजर बनती है। इसका मतलब ये हुआ अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ऐसी रिएक्शन अब स्टीरियो स्पेसिफिक ना कहलाकर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 21, इस रिएक्शन में एल्कोहलिक QH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन दी गई है, और इस रिएक्शन को हम E2 मैकेनिज्म के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अगर हम E2 रिएक्शन की बात करें, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, E2 रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो रिएक्शन में दो हेलोजन यानी H2 रिमूव होता है, जिसे हम डी हेलोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर रिएक्शन में HX रिमूव होता है, जिसे हम डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों ही रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर E2 का जो फोल्डर है या E2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें इन दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 21 की बात करें, चूंकि हमारे पास इसमें केवल एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन में आइदर HX निकलेगा आइदर फिर DX निकलेगा। चूंकि ये E2 रिएक्शन है, और अगर E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें निकलने वाले दोनों हेलोजन या निकलने वाला H और X एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है, यानी कि इसमें एंटी पेरीप्लेनर स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमको इस Br को निकालना है तो इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से H या D निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर H और D प्रेजेंट नहीं है तो हमको इस कार्बन पर फोकस करना पड़ेगा, हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन होता है, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है और ये बीटा कार्बन कहलाता है। और इस रिएक्शन में अल्फा से हेलोजन और बीटा से एच या डी निकलेगा। चूंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन को मेंटेन करती है, तो अगर बी आर यहाँ पे वेज में है तो इस कार्बन पे जो भी एच या डी डैश में होगा वो निकल जाएगा। चूंकि डी यहाँ पे डैश में है, ये दोनों आपस में एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन में एल्कोहलिक OH के थ्रू DBr जो होगा इस रिएक्शन में रिलीज हो जाएगा और फाइनली ये एल्कीन जो होगी इस रिएक्शन की मेजर एल्कीन होगी। क्योंकि इस रिएक्शन में निकलने वाली ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी फिक्स है, यहाँ पे हमको कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा डोमिनेट करेक्टर रखती है। और इस रिएक्शन में एंटी पेरीप्लेनर स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो करने के कारण ये रिएक्शन भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा सिलेक्टिविटी क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शन में किस तरह से हम सिलेक्टिविटी की टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको इस चैनल के वीडियोस या कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है इस चैनल का कंटेंट रिलेवेंट और रिलायबल है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।